गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं आ चुका हूँ ये सुंदर वादियों में। आप मेरे पीछे का जो व्यू है वो देख सकते हैं, और ये आपका व्यू देखिए पीछे, शायद आपको दिख रहा होगा, अभी सूरज ढलने वाला है और हम आ चुके हैं चिरमिरी के 36 मोड़ पर। और आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ चिरमिरी का 36 मोड़। और ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और आज मैं थोड़ा सा चिकना हो गया हूँ। और दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा कि मैं बाबा में अच्छा लगता हूँ या थोड़ा सा चिकना में अच्छा लगता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का मानना यह है कि मैं दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ, स्मार्ट लगता हूँ। और अगर इसमें भी अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर जाके आप बता सकते हैं कि मैं कैसे लगता हूँ। और दोस्तों ये जो पीछे का जो आप व्यू देख रहे हैं, और यहाँ आए दिन यहाँ एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है, क्योंकि ये जो गुलाई है ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब आप सांप देखे होंगे, जैसा सांप आपका चलता है सेम वैसे ही ये मतलब रोड है। मेरे पास मतलब उड़ने वाला कैमरा नहीं है, अगर उड़ने वाला कैमरा अगर होता तो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता और बताता कि ये जगह कैसा है। तो फिलहाल आप मेरे पीछे का जो व्यू है उसका मज़ा लीजिए, उसको देखिए, बहुत सुंदर जगह है। और चलिए मैं आपको और इससे बेहतरीन सुंदर व्यू मैं दिखाता हूँ। आप लोग से बस एक शिकायत है, और आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं फिलहाल आप लोग से बोल ही सकता हूँ, कह ही सकता हूँ कि आप में से जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग में आते हैं या मेरे चैनल में आते हैं, तो गाइस मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, बस इतना आप कर दीजिए, बाकी सब बढ़िया है, बड़ा ठीक है। तो फिलहाल जो मेरा पीछे का जो व्यू है वो काफ़ी मज़ेदार है, और इस जगह मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं आऊँगा और आपको इस जगह का जो व्यू है वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो आज समय मिला, टाइम मिला, फिलहाल मैं आ गया आप लोग को ये दिखाने के लिए। तो गाइस तो दोस्तों ये जो आप जो व्यू देख रहे हैं ये नीचे आपका बिलासपुर, रायपुर, खड़गवा जो है उस साइड ये रोड चले जाता है, और ये आपका पहाड़ी देखिए दोस्तों, क्या सुंदर व्यू है। और सामने एक देख सकते हैं वाइट कलर का धुआं उड़ रहा है, मतलब वहाँ कुछ जलमला होगा। और ये पहाड़ी को देखिए क्या बेहतरीन है दोस्तों, इस प्रकार ही है नज़ारा, और इस नज़ारे का आप लुत्फ़ उठाइए। और दोस्तों सामने देख पा रहे होंगे कुछ दोस्त यार है वो अपने एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मैनपुर गरियाबंद प्रिया के पास। तो एक छोटा सा क्लिप है उसका मेरे पास, तो मैं आपको कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ वो क्लिप, और क्लिप देख के आप बताइएगा कि
कि गलती किसका, मतलब कमी किसका है, क्योंकि प्रिया को मुझसे शिकायत है कि मैं ऐसा किया वैसा किया फलाना किया ठिकाना किया और मैं वो सब करके मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो आप पहले वो क्लिप देखिए, वो वीडियो देखिए, तब मैं आपको वीडियो कहने मिलता हूँ और बताइएगा कि कौन सही है या कौन गलत है ना। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो अभी मैं खाना बना रही थी और मैं आप लोग को अभी कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। एक हफ्ते से जब से मम्मी और संजय गए, तो उससे पहले जब से गए तब से इतना ज़्यादा आलू ला के रख दिए ये लोग कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। एक हफ्ते से कंटिन्यू आलू 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 खा खा के दिमाग ख़राब हो गया है और अभी तक वो आलू वैसा ही का वैसा ही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं वो खाने के बाद वो बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे आलू। अब आप ही लोग बताइए, सिंगल इंसान इतनी क्वांटिटी में और इतने बड़े साइज के आलू क्या मतलब है ला के रखने का। देखिए आप सब सारे आलूओं पर ये जम रहा है पूरा, ये खराबी ना हो जाएगा। तो मतलब शॉपिंग करने का भी सेंस नहीं संजय को, सच में। मतलब इतना ज़्यादा कौन सोचे, जबकि मैं एक हफ्ते खा रही हूँ उसके बावजूद इतना बचा हुआ है। अब मुझे इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, पापड़ वगैरह जो भी थोड़ा बहुत बना के ख़त्म, क्योंकि ख़राबी हो जाना है ना इसे। मैं अपने लिए सिंगल आलू बनाऊँगी तो मेरे लिए बिल्कुल काफ़ी है एक आलू मेरे लिए, तो ये तब तक तो ख़राबी हो जाने हैं। तो देखते हैं आज इसका जुगाड़ कुछ ना कुछ करेंगे। गजब बेइज्जती है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे कि वो बोल रही है कि मैं इतना क्वांटिटी में ले आया, फलाना है ये ठिकाना है। तो गाइस आप ही मेरे को बताइए कि मैं मतलब बाजार करके समथिंग हम लोग तो 26 के शाम को मैं बाजार करके आया था और 26 से लेकर आज हो गया 3 तारीख, ठीक है। तो अपना हो गया 26 से 4 या 7, मतलब एक हफ्ता करीबन हो गया। तो एक हफ्ता में कम से कम 2 किलो आलू में मतलब खरीद के दिया था कि उसका कम से कम 2 हफ्ता करीबन चल जाएगा। तो एक हफ्ता में सोचिए कि 2 किलो आलू, मतलब चलिए तो 1 किलो आलू तो ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन 1 किलो आलू भी नहीं ख़त्म हुआ है। मतलब वो खाएगी नहीं, बनाएगी नहीं, तो आलू ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा क्या? वो आसमान चला जाएगा कि उसका धरती निकल जाएगा? तो वो अभी बजा आएगा ना भिड़ो। वो मेरे को ब्लेम लगा रही है कि मैं, मेरे को बजा करने का तरीका नहीं मालूम है, ये है फलान ठिकाना है। तो आप ही बताइए कि इंसान अगर बनाएगा खाएगा तब तो ख़त्म होगा, अगर वो बनाएगा ही नहीं तो कैसे ख़त्म होगा। और दूसरा चीज़ है कि मैं एक ब्रेड खरीद के मतलब दिया था कि ये कुछ खा लेगी, तो सोचिए गाइस वो मतलब करीबन 5-6 दिन हो गए उस ब्रेड को। तो लास्ट में जब वो खोलती है ब्रेड के पैकेट को, तो वो उसमें फफूंद लग जाता है, मतलब वो ख़राब हो गया रहता है। तो खाने की चीज़ है, आप खाएंगे नहीं, उसको संभाल के रखेंगे तो ख़राब हो गई ना। तो ये छोटा सा क्लिप था आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गलत कौन है, मैं हूँ कि वो है, कि वो कौन है दोनों में से, ठीक है। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं तक एंड करते हैं, ये छोटा सा ब्लॉग था। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों गुड नाइट, लव यू एंड बाय एंड टेक केयर।